हम देख सकते हैं कि आज नौजवानों को बेपनाह चैलेंजेस हैं। आज नौजवानों को या जवानों को अपनी जवानी की हिफाजत कितनी मुश्किल है, और आज के इस दौर में जवानों को ईमान को समझना, ईमान पर कायम रहना और ऐसे ही सालहियत पर बरकरार रह जाना कितना मुश्किल काम है, और चैलेंजेस किस कदर कदम कदम पर उनके साथ हैं और उनके सामने हैं। हम देखते हैं, हम अपने जवान बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं कॉलेज में, बेशतर कॉलेज जो को एजुकेशन की शक्ल में है उस सिस्टम के साथ चल रहे, मखलूत तालीम, मर्द औरतों की मिक्सिंग, लड़कों लड़कियों की मिक्सिंग, हमारे ऐसे बहरहाल इस माहौल और इस कैफियत में जाना रहना ही शरान जायज दुरुस्त नहीं है बहरहाल। लेकिन इस सिलसिले में वलमा आमाइरीन को और जिम्मेदारान को बैठकर एक सही हल ढूंढना है, क्योंकि किसी चीज की तनकीद करना यह उस वक्त तक कारगर ना होगा जब तक कि उसका हल भी पेश ना कर दिया जाए। तो बहरहाल एक सबसे बड़ा मसला, जैसे ही हमारे बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, फितने दबोच लेते हैं चारों तरफ से कि जब वो अपने क्लास में हाजिरी देते हैं और लड़कों लड़कियों के साथ वो एक ही नशिश में, एक ही कमरे में, एक ही क्लासरूम में वो बैठते हैं। हम देखते हैं इंटरनेट तो आज अब कहीं कैफे वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल जेब में ही रहता है, और उंगलियों के टच करने पर, उंगलियों के इशारे पर आज का जवान जो चाहे और दुनिया की जो तस्वीर और दुनिया का जो मंजर चाहे देख लेना चाहते हैं, और यह देख लेना बहुत आसान है। उसके बाद वो लोग जो अपनी तालीम मुकम्मल करके किसी जॉब से मुंसलिक हैं, ऑफिसों का माहौल उनके देख सकते हैं, आप ऑफिसों का माहौल उनके देख सकते हैं, पूरे तौर पर इख्तलात का माहौल, पूरी मिक्सिंग, ऑफिस का बिगड़ा हुआ माहौल, कदम कदम पर चैलेंजेस, कदम कदम पर परेशानियां जवानों और नौजवानों दोनों को हैं। बहरहाल ऐसे हालात में मां बाप को भी कितना हसास होना चाहिए, मां बाप के ऊपर भी कितनी जिम्मेदारियां आती हैं, खुद जवानों के अंदर भी इस सिलसिले में बेदारी पैदा करना कितना जरूरी हो चुका है। आज इसकी हसासियत को ना समझा गया, इसे महसूस ना किया गया, नतीजा यह निकला कि हमारे नौजवान इससे पहले ये बातें गैरों के बारे में कही जाती थी, ये चीजें और बेहूदगी और हुरियानियत की ये मिसालें गैरों के बारे में दी जाती थी। आज हमारे जवानों की हालत ये है कि ड्रग्स के आदि वो हैं, सिगरेट के आदि वो हैं, मुशियात की धुत और लत उन्हें पड़ी हुई है, और ऐसे ही म्यूजिक के रसिया भी वो हैं। कितने वालिदैन है जो देखते अपने बच्चों को घर से निकलते ही उसका हेडफोन अपने कानों से वो फौरन लगा लेते हैं और उसके बाद उनके हेलमेट लगते हैं। तो म्यूजिक के आदि, ड्रग्स के आदि हमारे नौजवान बेतहाशा होते चले जा रहे हैं। देर रात सोना कहां तो रहे वो पता नहीं, वालिदैन को भी उस सिलसिले में खबर नहीं। वो बहुत सारे वालिदैन तो इतनी निचली सतह पर उतर चुके, कहते हैं कि जवान है, जरा उसकी उम्र है, खेल कूद लेने दीजिए। उसके बाद जब वो दर्दनाक मंजर उनके सामने आता है तब चीख पड़ते, उनके पैरों के नीचे से जब जमीन खिसक जाती है उसके बाद उलमा के पास और उसके बाद मस्जिद के इमाम और खुतबा के पास चक्कर लगाते। उस वक्त आप कहां थे जब आपको इस सिलसिले में फिक्र करनी चाहिए थी, तब आप ढील दे रहे थे। गलत सोबत, वालिदैन को भी पता नहीं है कि उनकी औलाद किस तरह के बच्चों के साथ रहती है, उनकी फ्रेंडशिप किस तरह के बच्चों के साथ है, उनके दोस्ताना ताल्लुकात किस तरह के लड़कों के साथ है। ये सारी चीजें हमारे जवानों में आज बेतहाशा फैली हुई है। और ये बात याद रहे कि अग्यार की जो साजिशें हैं उन साजिशों के बहुत हद तक हम शिकार हो चुके। अग्यार की खसूसियत के साथ जो यहूदियों की साजिशें हैं, बगैर किसी लाग लपेट के मैं कह दूं, यहूदियों की जो साजिशें हैं वो ये नहीं है कि हमें इस्लाम से निकाल कर किसी दूसरे दीन धर्म के अंदर दाखिल कर दें, हमें कन्वर्ट कर दें, ये उनकी कोशिशें इस बात पर नहीं है। उनकी कोशिशें इस बात पर हैं कि इस कौम के जवानों से दीन इस्लाम की रूह को निकाल दिया जाए, इनका जिस्म मुसलमान रहे लेकिन इनके जिस्मों के अंदर जो रूह है वो इस्लाम की रूह से खाली हो जाए। उनकी कोशिशें यही है। हम गौर कर सकते हैं कि अपनी कोशिशों में किस हद तक कामयाब है, वो अपनी कोशिशों में बहुत हद तक कामयाब है, और उनकी निगाहों में
उनकी निगाहों में शराब का एक गिलास, ड्रग्स कीज, गाने वाली औरत, ये 1000 तोप से या लाखों बंदूकों से कहीं ज्यादा कारगर है उनकी निगाहों में कि इस कौम के जवानों को शराब का आदि कर दिया जाए, ड्रग्स के अंदर दाखिल कर दिया जाए और ऐसे ही क्लब का आदि इन्हें बना दिया जाए कि गाने, म्यूजिक, वो सारी चीजों के आदि हो जाए। इनसे जंग करने की जरूरत नहीं, इनके खिलाफ तोप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, इनके खिलाफ बमबारी करने की जरूरत नहीं, ये खुद वैसे ही मिट जाएंगे और वैसे ही तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे। हम देख सकते हैं कि तबाही के दहाने पर आज ये कौम पहुंची हुई है, दीन इस्लाम से दूर होकर के और पूरे तौर पर अग्यार की साजिश के शिकार होकर के। फोहश लिटरेचर, वल्गर चीजें आज आम है जवानों के अंदर।